ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गिंदकी सेवा केंद्र से सीता दीदी आ रही हैं और अपने संस्मरण सुनाएंगी, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार में एक एक मंदिरों में, एक एक मठ में देवियां विराजमान हैं, जिनको मूर्तकार ने बड़ी खूबी से रचा है और हमारी परमात्मा में सौंपा है। वो अपनी खुशियों को बिखेरने यहाँ पर आई हैं, तो आप सभी सुनेंगे अनुभव युक्त संस्मरण। एक एक अनुभव याद दिलाओगे तो हमें याद आता जाएगा। हम जो पहला मिलन मैंने भगवान से मनाया वो 31 दिसंबर 1996। तो जब भगवान से मिलने के लिए हमने तैयारी बनाई, उसके पहले तो बड़ी दीदी जी के पास पहले पहले आए। पहली बार जब हमारा और दीदी जी का मिलन हुआ तो दीदी जी ने कहा कि ये अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ, तो हमें हाथ और हम चले गए। फिर बाबा के कमरे में गए। उसके बाद जब हम घर गए तो दीदी और बाबा जब इसे कहें कि कानपुर फिर चलो तो लेंगे, छुट्टी होगी तो चलेंगे। लेकिन फिर वो सुबह सुबह ब्रह्मा बाबा अपनी ड्रेस में, हम झाड़ू लगा रहे थे तो हमारे आगे हो बच्ची चलो, बच्ची चलो। हमको एक पल के लिए जैसे चैन नहीं हो रही थी। तो पड़ोस की एक बहन आई, उसने कहा बुआ जी हमें प्रसाद चढ़ाने जाना है। तो मैंने कहा जाओ अम्मा से परमिशन ले लो, हमको तो देंगी नहीं। तो लिया। तो जैसे ही हमको छुट्टी मिली, बस में बैठे, उसका जो मंदिर था वो 5 किलोमीटर पे था और हमने एक बार एक ही दुवई नगर देखा था। जैसे उसके मंदिर का आया और उसने यहाँ रोको, मैंने कहा नहीं वहीं चलते हैं जहाँ पिताजी गए थे। उसका मैंने हाथ पकड़ लिया, 8 बजे निकले घर से और यहाँ किधोई नगर चौराहे पे 11 बजे पहुंचे और 1 बजे तक हम घूमते रहे। ओम शांति आश्रम ही न मिला। तो उसने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, आप ढूंढो। तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा एक बार और प्रयास करते हैं। तो दूर से देखा हरिजन पार्क के पास आ गए और देखा कि झंडा लगा है, तो हम बहुत खुश हुए। हमने कहा तो वो भी आई, छोटी दीदी मैं प्रोग्राम बना रही थी मधुबन जाने का, तो उन्होंने कहा कि चलोगी मधुबन, बाबा से मिलोगी, भगवान से मिलोगी। हमने कहा हाँ दीदी बहुत इच्छा है, लेकिन एक बार आप घर आ जाना। उन्होंने कहा ठीक आ जाएंगे। अब हम घर कितने बजे गए, 3 बजे तक, 1 बजे से 3 बजे तक आश्रम में रहे बाबा के कमरे में। और उसके बाद दीदी ने कहा देखो घर में बता के नहीं आई हो और इतनी देर हो गई है, अब घर जाओ। जब हम घर गए तो वहां 8 बजे पहुंचे, तो वहां हाहाकार मचा हुआ था, अम्मा पिताजी से वार्तालाप शुरू था। उन्होंने क्या कहा और आगे बढ़ा लो, नाक माछी बैठा दीस, बड़ा नेता बना के घुमावत रहो, अब देख लो। पिताजी ने एक शब्द बोला, कम से कम तुम हमसे तो बता देती। मैंने कहा पिताजी आप, मैंने 500 बार बताया, आपको छुट्टी ही नहीं मिली। उसके बाद जब बाबा से मिलने का हुआ, छोटी दीदी पहुंच गई, तो जैसे ही माता जी को पता पड़ा कि वो सफेद ड्रेस वाली आ गई,
बच्चे दरवाजे से आए, बुआ बुआ उस सफेद ड्रेस वाली बहन जी आई, हम तो घर में भोजन बनाई रहे, हम भागी आगे अम्मा भागी पीछे, वो पीछे चढ़ी अटारी पर, अब हमको तो जैसे भगवान नहीं मिलेगा। अब उन्होंने बार बार जब सबको सत्संग सुना दिया तो बार बार दीदी हमसे कहती माता जी से मिलाओ, माता जी से मिलाओ। तो पहले तो हमने प्रयास किया, अम्मा चलो ना दीदी आई हैं, बहुत प्यार से बुला रही हूँ, कहीं तुम चली जाओ नहीं तो। फिर पिताजी गए तो पिताजी से भी बोली, फिर दीदी ने कहा चलो हम चलते हैं। जैसे सुना कि बहन जी आ रही तैसे अटरिया पर चढ़ के दूसरे घर चली गई और उनके घर में कोठरी में बंद हो गई और छोटे छोटे बच्चों को भेजती थी जाओ गांव के बाहर, गई कि नहीं गई। फिर उसके बाद अब हमारा नंबर आया, अब हम से निकली वहां से मिलने के लिए, दीदी तो चली गई मिलके। एक दिन पहले अकेले कर नहीं सकते तो हमने अपनी बहन को एक जो साथ में पढ़ती थी उसको तैयार किया। अब हम बाबा कहता ना कि माया तुमसे भी दिखी, हम समझे कि माता जी समझ ना पाए, अब वो सबसे पहले उठ गई उस दिन, हम तैयार हुए वो हमको ही देखती रही, नहीं जाना है नहीं जाना है। हम बाबा को याद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बाबा तो हम निकल जाएं, और जैसे संकल्प माता जी और पिताजी का टक्कर होने लगा और हम, पिताजी ने इशारा किया निकलो, निकल आए। निकले कैसे, तो कुछ लेके तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो सलवार सूट, तीन सलवार सूट पहने, हाफ स्वेटर फुल स्वेटर, इधर सूट और शाल, निकल गए कानपुर। दीदी ने सारी व्यवस्था किया, फिर वहां बाबा से मिलने गए, बहुत इतना अच्छा। वो पहली बार बाबा उसमें आया था शांति शांतिवन में, पहली बार आया था बाबा, और वहां जगह जगह टेंट लगे हुए थे छोटे छोटे, तो वहां पे कल हमको बहुत याद आ रही थी उस मिलन की, दादी जी निर्मल शांता दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, सबकी वो टेंट लगे हुए थे। मुझे पूरा सुबह से लेके शाम तक न खाना है न कुछ है, ऐसे सबके टेंटों के बीच में उन्हें जाते, जहां प्रवचन होते थे वहीं बैठ जाते थे, जहां प्रवचन होते थे वहीं बैठ जाते थे। अब इधर क्या हुआ, इधर तीन दिन हमारे घर में भोजन नहीं बना, माता जी ने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, पहले हमारी बिटिया को लाओ जाए, कहाँ चली गई। फिर माता जी को साक्षात्कार हुआ सुबह 4 बजे, बाबा इसी ड्रेस में उनके पास आए और उन्होंने कहा कि बच्ची, वो बच्ची मेरे घर गई है वो सुरक्षित है। तो पिताजी उनको समझाते थे तो उनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको ये महसूसता हुई तो उन्होंने पिताजी को बुलाया और ये कहा तुम्हारी बुढ़ऊ आज सुबह हमें पास आए रहे और वो कहीं नहीं, तुम्हारी बिटिया सुरक्षित है। तो पिताजी ने कहा हम तो यही बता रहे थे, हम रोज बताते थे तो आपकी समझ में नहीं आया, और अब देखो। फिर उनको ऐसे करके फिर धीरे 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 थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता मिली, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि ये घर से जाए। जब उनको ये समझ में आया कि घर से जाए, तो एक दिन शाम मुरली सुना रहे थे बाहर और अंदर दोनों लोगों में झगड़ा हुआ, पिताजी से वो कहती थी कि तुम इसको रोको, कि नहीं हम नहीं रोकेंगे क्योंकि वो अच्छे मार्ग पे, तुमसे रुक जाए तो रोक लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको हम शांति से नहीं बैठने देंगे, तुमको हम ठाकुर साहब तुमको मैं जेल की रोटी खिलाऊंगी, और ट्रेन में कटने के लिए चली गई। तो जब हम आए मुरली सुना के तो हमने देखा कि बिल्कुल
शांत माहौल। तो मैंने कहा पिताजी पिताजी अम्मा कहाँ? तो पिताजी ने कहा अम्मा एक घंटा पहले ट्रेन में कटने गई। तो मैंने कहा आप शांत बैठे हैं? उन्होंने कहा मैंने पूरी कोशिश कर लिया। तो मैंने बाबा से कहा, मेरा कोई संकल्प नहीं चला, मैंने बाबा से कहा बाबा वो मेरी जन्मदाता है और उनको अगर कुछ हुआ तो हमको किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए मेरी माँ जहाँ हो वो सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये दो रूम थे, दरवाजे पे एक में मुरली सुनाते थे, एक बंद था, उसमें अनाज अनाज भरा जाता था। जैसे ही दरवाजे से निकले वो कुंडी खुली, मैंने कहा देखें यहाँ तो नहीं है कहीं, देखा तो बोरे के बोरा डाले बैठी। तो मैंने वो बोरा उठाया और ऐसे किया तो गुलगुल लगा। तो मैंने कहा अम्मा कहीं तुम फिर आ गई हो? मैंने शिव बाबा को बड़ा थैंक्स दिया और अंदर गए, मैंने कहा पिताजी अम्मा सुरक्षित है। ऐसे अनुभव हैं। और इधर से जब कोई परेशानी होती थी, समय नहीं होता था तो दीदी को फोन करते थे, तो दीदी बड़ी ताकत की बातें देती थी। एक बार तो जब थोड़ा सा बहस हुई तो जिसे गिल्टी जैसी महसूस हुई, क्योंकि शुरू से बड़ा अनुशासित ढंग से पालना हुई, तो जब वो अच्छे रास्ते पे जाने में थोड़ा विघ्न डालती थी तो हमने जवाब दिया। फिर मैंने दीदी को फोन किया कि दीदी मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए हैं माँ के लिए। दीदी ने कहा नहीं, ये सफलता का रास्ता नहीं है, माँ को तुम अब जब जवाब नहीं दिए देने लगे तो कहती ओम शांति ने मुंह चुप करना सिखा दिया, अब बिल्कुल ये घुन नहीं हो गई, बोलती ही नहीं है। ऐसे वुमन करके अगर बोलने लगो तो कहें फिर दीदी को फोन करें। तो ऐसे करके दोनों का बैलेंस जो हमको बनने का या दोनों के रास्ते पर चलने का जो हमें सिखाया वो दीदी लोगों ने सिखाया। और आज हम आपके साथ हैं, इन्हीं शब्द साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।